भक्तों, गणेश जी एक दंत देव कैसे हुए? ब्रह्म वैवत्त पुराण के अनुसार ये बताते हैं। गिरजा शंकर शयन कक्ष में एक बार थे सोए, भोले से मिलने उनके घर परशुराम जी आए। था गणेश का पहरा द्वार पर, जाने दिया ना अंदर। क्रोध आ गया परशुराम को, किया प्रहार गण पर, मारा पर सा दंत कटा। दुखित गिरजा सुनी गथा, मुनि ये मेरा कुमार है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणेश जी की चीख पुकार सुनकर शयन कक्ष से गिरजा शंकर दौड़े आए। माँ गिरजा ने बेटे गणेश का ये हाल देखा तो बहुत दुखी हुई। माँ की ममता आंखों से पिघलने लगी और परशुराम जी से बोली, हे मुनिवर, ये मेरा पुत्र गणेश है, आपने ये क्या किया? परशुराम जी को जब ये ज्ञात हुआ कि ये माता पार्वती का पुत्र है तो उनको भी भारी दुख हुआ और पार्वती जी से बोले, देवी, मुझसे ये भूल हो गई और ये वापस तो नहीं हो सकती, किंतु देवी, मैं इसे ये वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य इसके एक दंत रूप की पूजा आराधना करेगा वो सुख संपत्ति धन से परिपूर्ण रहेगा और संसार में सम्मान पाएगा, और तुम्हारा ये बालक एक दंत गणेश के नाम से जगत विख्यात होगा। तब से ये एक दंत गणेश हो गए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल करता मोरिया।